देश में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हरिद्वार के ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी की है वो थोड़ी राहत देने वाली ज़रूर है। ज्योतिषी बताते हैं कि 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण दुनिया को इस महामारी से निजात दिला सकता है। इस सूर्य ग्रहण का क्या संयोग बन रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में फैल चुके कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की राय चाहे जो भी हो, लेकिन ज्योतिषियों के मुताबिक ये महामारी ग्रहों की दशा बदलने के चलते विकराल हुई है। आकाशमंडल में सूर्य, शनि, चंद्र, केतु के विपरीत प्रभाव के चलते ये महामारी फैली है और इस महीने पड़ रहे सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कोरोना का प्रकोप कम होने लगेगा। इसके साथ ही 5 जुलाई को पड़ रही गुरु पूर्णिमा तक विषाणु कीटाणु प्रभावशाली रहेंगे। जब ग्रह वापस अपने मूल स्वरूप में आएंगे तभी महामारी का प्रकोप खत्म होगा। आपको बता दें कि इससे पहले 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पड़ा था। ज्योतिषाचार्य प्रतीक मिश्रपुरी की माने तो जो सूर्य ग्रहण सदियों में पड़ता है वो महामारी को जन्म देता है। वहीं जो आषाढ़ मास की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण पड़ता है वो महामारी का विनाश करने वाला होता है। इस बार 6 महीने के अंतराल में 2 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। जो 26 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ा था वो धेनु राशि में था। वहीं आगामी 21 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो पूरे भारत में दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में पड़ रहा है और ये दोनों ही राशि 7वें भाव में पड़ती हैं। 7 का अंक महामारी का नाश करने वाला होगा और इसी के साथ कोरोना महामारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। देखिए 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा, ये कहा जाता है कि सर्दियों के अंदर जो ग्रहण पड़ता है वो महामारी को जन्म देने वाला होता है और आषाढ़ मास की अमावस्या पर जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो महामारी का विनाश करने वाला होता है। यानी कि 6 मास के अंदर 2 सूर्य ग्रहण हैं। दोनों सूर्य ग्रहण बहुत लंबे काल तक रहे और ये जो 21 जून को जो ग्रहण पड़ने वाला है ये 99.4% जो है ग्रस्त होगा, अर्थात पूरा ग्रस्तमान पूरा हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा, हर शहर से दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो 26 तारीख को जो ग्रहण पड़ा था वो धनु राशि के ऊपर था, अब जो 21 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है मिथुन राशि पड़ रहा है, अर्थात धनु राशि से जो मिथुन राशि है वो सप्तम ग्रह पड़ती है, एक दूसरे से 7वें पड़ती है। ये जो 7वें का जो अंक है ये निश्चित रूप से जाने कि इस बार जो ग्रहण होगा वो महामारी का नाश करने वाला होगा। हालांकि ज्योतिष के जानकारों का ये भी मानना है कि 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण महामारी का अंत तो करेगा लेकिन सामाजिक विषमताओं में भी बढ़ोतरी होगी। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रदीप जोशी का कहना है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण सुबह 10:23 से प्रारंभ होकर ग्रहण का मोक्ष काल दोपहर 1:51 तक रहेगा। ये कड़कड़ सूर्य ग्रहण कहलाता है और इस बार रविवार को सूर्य ग्रहण पड़ने की वजह से इसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। इस ग्रहण का विशेष महत्व होता है। ये ग्रहण वृषभ नक्षत्र में प्रारंभ होगा और ग्रहण नक्षत्र में समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले सूर्य ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए भी नुकसानदायक होगा। उनके मुताबिक इस राशि वालों को सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ये ग्रहण पूर्ण रूप से भारत में दिखाई देगा और इसके साथ ही आसपास के देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल और भूटान में भी इसी तरह का प्रभाव दिखेगा। 21 जून को 2020 को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, वो सुबह 10:23 से दोपहर 1:51 तक ये चलेगा। ये कंकण सूर्य ग्रहण कहलाता है और ये सूर्य ग्रहण इस बार रविवार को पड़ रहा है तो इसको चूड़ामणि सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है।
इसका विशेष महत्व होता है, इसका स्नान दान का विशेष इस ग्रहण में महत्व हुआ करता है। ये मृक्ष नक्षत्र में प्रारंभ होगा और आर्द्रा नक्षत्र में समाप्त होगा। मृक्ष नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और पूरे आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन राशि रहेगी, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से नुकसानदायक हो सकता है। ज्योतिषी पक्ष की माने तो ग्रहण के बाद ऐसे योग निर्मित होंगे जिससे कोरोना का संक्रमण खत्म होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद सितंबर तक ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट काल में कई आपदाओं से घिरी हुई है, ऐसे में आने वाले सूर्य ग्रहण में कुछ सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।